और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? आखिरकार शबनम की फांसी क्यों रोक दी गई है? आखिरकार शबनम के केस में ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण एक नया मोड़ आ गया है? आखिरकार इस केस में ऐसी क्या सच्चाई निकल कर आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, सुनकर हर कोई हैरान है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाने के बाद भी इन्हें इस सजा से दूर क्यों रखा जा रहा है? आखिरकार 2008 से यह केस चल रहा है और अब तक चल ही रहा है। आखिरकार इतने सालों से यह केस चल रहा है तो अंत में जो मुजरिम है उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही है? पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना। शबनम और सलीम के द्वारा दोस्तों 2008 में एक रात ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के द्वारा पूरी दुनिया के लोगों को दोस्तों हैरान कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी दास्तान जो कि हर कोई सुनना चाहता था वह सुन चुके हैं। शबनम और सलीम के द्वारा परिवार के 7 सदस्यों को एक रात में खत्म कर दिया गया। यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, लेकिन दोस्तों उस समय इस शबनम और सलीम को सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आखिरकार इस केस में ऐसा क्या मोड़ आया है कि यह केस 2008 से अभी तक चल रहा है और अभी तक जो सजा सुनाई गई वह कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोगों को बता दूं कि जो 7 लोगों के कत्ल हुए थे वह और कोई नहीं बल्कि शबनम के परिवार वाले थे। शबनम का पिता, माता, 2 भाई और दोस्तों लगभग टोटल 7 सदस्य थे, भाभी भी थी। इस प्रकार से टोटल 7 सदस्य थे शबनम के और उन 7 सदस्यों के साथ ऐसा कुछ हुआ, उस कारण से इनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस केस में ऐसा क्या मोड़ आया है कि इनकी सजा रोक दी गई है? आखिरकार इस केस में क्या है सच्चाई कि शबनम और सलीम की जो लव स्टोरी है दोस्तों वह दोस्तों कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है। वकील का यह कहना है कि शबनम और सलीम को जो सजा सुनाई गई है वह बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर सजा सुनाई गई थी तो अब तक हो जानी चाहिए थी, इतनी देरी क्यों? एक बात का तो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि शबनम का एक लड़का भी है और दोस्तों उस लड़के ने राष्ट्रपति के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ लिखकर वह बताया था, जो कि एक बोर्ड पर लिखकर बताया था कि प्लीज मेरी माँ को माफ कर दो, इस प्रकार से कुछ लिखकर बताया था, उसके कारण भी इस केस पर कुछ फर्क पड़ा है। और लोगों का यह कहना है कि अब तक जो सजा मिली है वही काफी है इन लोगों के लिए, शबनम और सलीम के लिए, अब इनकी सजा माफ कर दी जाए, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। लेकिन आखिरकार दोस्तों एक परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ और उनके कातिल को इस प्रकार से माफ कर दिया जाए यह तो संभव ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो सलीम है यानी शबनम का लवर सलीम, उसके परिवार वालों से क्वेश्चन किया गया कि उस रात को आखिरकार क्या हुआ था। दोस्तों सलीम के जो परिवार वाले हैं वह अपनी अलग ही कहानी सुना रहे हैं, जैसा कि उनके द्वारा यह बताया गया है कि उस रात की घटना में बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रात में कई लोग चाकू भी बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी नहीं बल्कि चाकू का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार से एक नई कहानी से इस केस में एक नया मोड़ जोड़ दिया गया है। दोस्तों इन सभी कारणों से भी इस शबनम और सलीम के केस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और वहीं दोस्तों जो उस्मान सैफी है, उस्मान सैफी कौन है दोस्तों? उस्मान सैफी वही है
जिसकी मदद शबनम ने कॉलेज में जो स्टडी कर रही थी शबनम और वह उस्मान सैफी, उस समय शबनम ने उस्मान सैफी की मदद की थी और उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी, वह था उस्मान सैफी। आप दोस्तों पहले उस उस्मान सैफी की बात सुन लें, वह उस्मान सैफी जिसकी मदद शबनम के द्वारा की गई थी पढ़ाई लिखाई में। हाँ दोस्तों, वह उस्मान सैफी जिसने शबनम के बेटे को गोद लिया है, उस उस्मान सैफी के द्वारा क्या कहा गया है जब उस्मान सैफी जेल में शबनम से मिलने के लिए गए थे। दोस्तों आप खुद उस्मान सैफी की जवानी सुन लें। आज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज्यादा हो गए और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सजा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है और कोर्ट में भी वो पहले भी CBI जाँच की मांग करती रही है लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था का सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से सही सिरे से। उस्मान भाई, अब उसके ऊपर फांसी की सज़ा तय हो गई है और लगभग उसको याचिका भी खारिज हो गई है, अब ये बच्चे का सवाल है, तो इसकी बच्चे की परवरिश को लेकर आगे इसकी ज़िंदगी किस तरह से होगी, आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है? ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो भी एक बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं हम उसकी हर एक सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। उस्मान सैफी ने बताया है कि मेरे से शबनम ने यह बोला कि यह सब कत्ल मैंने नहीं किए हैं, इसकी जांच होना चाहिए, ऐसा सब कुछ 2015 में शबनम ने दोस्तों उस्मान सैफी से बोला था। लेकिन सब इस बात से हैरान है कि आखिरकार जो 2015 की यह बात 2021 में दोस्तों सामने आती है सभी लोगों के, इस बात को लेकर सभी लोग हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि यह पूरा तय हो चुका है और इन्हें मुजरिम भी घोषित किया जा चुका है, इनको सजा भी बोली जा चुकी है और इन लोगों ने कबूल भी कर लिया है, तो आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों इस केस में कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा उलझा हुआ केस है। बाप को मार सकती थी लेकिन सबको क्यों मारा? तो क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। तो कब से तुम्हारा प्रेम संबंध चल रहा था? लगभग 1 साल से। कैसे कैसे मारा? शबनम योजना तुम्हारी थी या सलीम की थी, इस बारे में बताओ। दोनों की थी। तो अपना अपराध कैसे बताया आपने? हम अपना अपराध तो मुझे माफ कर दिया। मैं नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल दिया था। जो पब्लिक है दोस्तों, पब्लिक देश की पब्लिक है, उन लोगों का क्या कहना है दोस्तों? उन लोगों का यही कहना है उस पिता का क्या कसूर था जिसने इस शबनम को पाला, उस माँ का क्या कसूर था जिसने इस शबनम को पाला, उन दो भाइयों का क्या कसूर था? दोस्तों एक भतीजा भी था लगभग 10 महीने का, उसका क्या कसूर था? उसने तो सही दुनिया भी नहीं देखी थी। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने? और इसकी भाभी, शबनम की भाभी दोस्तों, भाभी को भी नहीं छोड़ा। और एक दोस्तों एक और थी जो कि मेहमान के रूप में थी, वह भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। तो सोच के देखिए दोस्तों, एक रात में कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने, फिर भी जो कई लोग यह कह रहे हैं कि इनकी सजा माफ कर दी जाए, लेकिन दोस्तों यह सब कुछ पब्लिक का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों जो आज इस दुनिया में नहीं है उन लोगों का क्या कसूर था जो इस शबनम जैसी लड़की को पाल रहे थे वे घर में,
दोस्तों उन लोगों का क्या कसूर था, इस बात पर आप जरूर सोच विचार करके बताना। यही दोस्तों इस केस में नया मोड़ आया है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस केस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लीपापोती चल रही है, इसीलिए इनकी सजा पर सोच विचार किया जा रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी मुजरिम को माफ कर देना चाहिए, वह आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों को भी यह जानकारी दे सकते हैं।